हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ विपिन गुजेला। यार देखो, आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके लाइक करना और जितना हो सके शेयर करना ताकि और लोगों की हेल्प हो जाए। और नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और काफ़ी लोग होंगे और सोच रहे होंगे कि भाई आपने बोला था कि कुवैत से रिलेटेड वीडियोस बंद कर दिए बनाना। यस, मैंने बंद कर दिया, लेकिन मैंने एक बात ये भी बोला था कि अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी मुझे लगे कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए तो मैं डेफ़िनेटली कभी ना कभी करूँगा। वैसे तो मेरे जो लाइफ स्टाइल प्लस ट्रैवलिंग ब्लॉग्स हैं वो सब आते रहेंगे। और तो मेरे कुछ दिन पहले ना मेरे एक सब्सक्राइबर से मेरी बात हुई थी इंस्टाग्राम पर, फेस टू फेस बातें हो रही थी इंस्टाग्राम पर, लाइव पर बात हुई थी कम से कम आधा पौना घंटा। और उसने मुझे बोला था कि भाई आपने एक वीडियो बनाई थी कि आप जो है हम वीज़ा कैसे चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। मैंने कहा बना रखी है, आई कार्ड में लिंक आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। हाउ टू अप्लाई योर वीज़ा ऑनलाइन, चेक वीज़ा ऑनलाइन, ऐसे करके एक वीडियो है, ठीक है। अपना वीज़ा जो है आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हो, तो कहने लगा कि जो आपने एप्लीकेशन बता रखी है, एक एप्लीकेशन है कुवैत की, तो वहाँ पर आप अपना वीज़ा नंबर डालोगे ना तो वो बताएगा कि वैलिड है इनवैलिड है। कहने लगा कि वहाँ पर वैलिड आ रहा था। मैंने कहा बिकॉज उसमें आपका नाम वगैरह कुछ नहीं दिखाएगा, सिर्फ आप अपना वीज़ा नंबर डालोगे तो सिर्फ यही बताया कि वैलिड है या इनवैलिड है, क्योंकि उसमें कोई नाम वगैरह कोई पोजीशन वगैरह कुछ नहीं बताता है, ठीक है। कहने लगा मैंने वहाँ पर डाला तो वहाँ पे वैलिड दिखा रहा था। फिर उसने कहा कि जैसे ही, वो बंदा थोड़ा सा पढ़ा लिखा भी था, बहुत ही समझदारी का काम किया। मैं पूरा प्रोसेस पूरा सीन बताऊँगा कि हुआ क्या, सो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुनना। सो मैं नहीं चाहता कि क्या पता कल को आप लोगों के साथ ऐसा कुछ ना हो, भगवान करे, और शेयर करना ताकि और लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा कुछ ना हो। मतलब मैं भी शॉक्ड रह गया कि ऐसा भी हो सकता है। तो हुआ क्या कि भाई उसने कहा कि मैंने चेक कर लिया ऑनलाइन, वैलिड दिखा रहा है। फिर जो PDF की जो फाइल उसके पास मेल की गई थी कंसल्टेंसी के थ्रू वो जा रहा था, सी उस कंसल्टेंसी के बारे में भी बताऊंगा मैं। तो हुआ क्या स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस कि उसने बोला कि मैंने उसको सीधा पूछा कि भाई सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको पता कहाँ से लगा कंसल्टेंसी के बारे में। कह रहा फेसबुक पे काफ़ी पेजेस थे तो मेरे किसी दोस्त ने मुझे बताया, हमने कंसल्ट किया, दिल्ली की कंसल्टेंसी थी, सी है, तो हमारा इंटरव्यू वगैरह नॉर्मली हो गया। कह रहे कंसल्टेंसी के हम ऑफिस गए, कह रहा ऑफिस वगैरह उन लोगों ने इस तरीके से बना रखा होता है कि मतलब आप लोगों को विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी देखा हुआ है और आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने देखा होगा। आप ऑफिस जाओगे कंसल्टेंसी के तो वो इस तरीके से बना के रखते हैं और सब कुछ आपको बातों में बहलाएंगे, फुसलाएंगे और कहेंगे कि भाई हमारे पास हमारा गवर्नमेंट वो नंबर भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो फेक सब कुछ बन जाता है यार आज की डेट में। सीधे तो कहने लगा कि भाई दिल्ली की कंसल्टेंसी थी जनकपुरी में, मैं सब कुछ एड्रेस वो सब एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और फोटो भी आ रही होगी, सही है। तो कहने लगा हमारा इंटरव्यू वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, और कह रहा मैं अपने साथ कम से कम 7-8 लड़के और लेके गया था। मैं फिर मतलब ह्युंडई कंपनी के बारे में बता रहा था कि ह्युंडई कंपनी में जॉब लग गई है तो उनका पासपोर्ट तो जमा, क्यों कंसल्टेंसी पासपोर्ट जमा कर लेती है अगर आपका ऑफर लेटर वो हो जाता है ना, तो पासपोर्ट जमा कर लेती है। कहने लगा पासपोर्ट मैंने जमा करवा दिया। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे पास क्या है, ऑफ़र लेटर आ गया, क्योंकि जब इंटरव्यू के बाद सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो होता है ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर में सब कुछ लिखा होता है, आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर, आप किस पोजीशन पर अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी है, कितनी सैलरी है, कितने घंटे की, सब कुछ पूरा प्रोसेस लिखा होता है। अगर आप उसको साइन कर देते हो तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है वीज़ा का। तो ये कहने लगा कि भाई ऑफ़र लेटर हमने साइन करके दे दिया, पासपोर्ट हमारा जमा हो गया, और उन्होंने कह रहा उन्होंने उस टाइम पर कोई पैसा नहीं मांगा था। फिर जब दूसरा स्टेप होता है कि भाई जब आपका वीज़ा आता है ना वहाँ से, जिस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे थे, कुवैत का उन्होंने किया था, कुवैत से उनका वीज़ा आया, क्या था उस कंसल्टेंसी वाले ने मेरे को PDF फाइल जो है मेल कर दी थी, उसने मेरे को मेल करा था, तो मेल पे मैंने चेक किया, उसमें लिखा होता भाई वीज़ा नंबर वगैरह सब कुछ है। कह रहा भाई मैंने आपकी वीडियो देखी, वो वीज़ा नंबर मैंने डाला उस एप्लीकेशन पर तो वैलिड दिखा रहा था, मैं खुश हो गया। तो मैंने कहा अच्छा, कह रहा लगा, फिर मैंने कहा फिर उसके बाद क्या हुआ। मैंने कहा कह रहा भाई मैं शॉक्ड हो गया जो मुझे पता लगा कि वो जो वीज़ा है वो मतलब फेक वीज़ा है। मैंने कहा कैसे पता लगा भाई आपको, कह रहा मैंने कहा, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार जो वीज़ा है वो तो वैलिड दिखा रहा है तो आपको कैसे वो पता लगा। कह रहा भाई मैं मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह उस बंदे ने कर रखी है, सही है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह उस बंदे ने कर रखी थी, उसने जूम करके देखा एडोबी फोटोशॉप वगैरह पे, सही, तो उसको थोड़ा बहुत काम आता था फोटोशॉप पे, फिर उसने एडोबी फोटोशॉप पे जूम करके देखा और जो वीज़ा नंबर वगैरह है ना वो जो है थोड़ा सा, कह रहा बहुत ही, कह रहा भाई वो सिर्फ मैं ही पहचान सकता था तो मैंने पहचान लिया, तो नंबर है थोड़ा सा उठा के डाल रखे थे तो मुझे पता लग गया, मैंने बहुत जूम करके देखा था तो मुझे पता लग गया।
क्या था, मैंने उस कंसल्टेंसी वाले ने और बंदों से तो 25-25 हज़ार रुपये ले लिए थे, क्योंकि सब लोग भाई वही है बाहर जाने के चक्कर में लोग ऐसे बन जाते हैं यार, हर किसी के साथ होता है, क्योंकि बहुत सारे सपने सजो लेता है बंदे कि भाई बाहर जाने इतनी सैलरी मिल रही है, अब की कंसल्टेंसी तो बस उनको मौका चाहिए। तो जो बंदे थे सब ने 25 हज़ार रुपये दे दिए थे। बारी आई इस बंदे की, तो इस बंदे ने बोला कि भाई मैं तो पैसे देने से नहीं रहा, मुझे मेरा पासपोर्ट दे दे, सही है। और अगर उसने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे तभी दूंगा तेरे को जब तू मुझे इसकी ओरिजिनल वो देगा कॉपी जो है वीज़ा की। उसने कहा कि भाई ओरिजिनल कॉपी तो नहीं, ओरिजिनल कॉपी अभी 1-2 दिन में आएगी। उसने कहा सही है, 1-2 दिन बाद मैं आके लेता हूँ। 1-2 दिन बाद गया तो कहने लगा कि भाई नहीं है, अभी टाइम लगेगा ये वो। तो वो समझ चुका था कि ये बंदा जो है कंसल्टेंसी वाला उसको पागल बना रहा है, क्योंकि उसको तो पता लग गया था कि उसे जूम करके देखा। तो फिर कहने लगा कि भाई, उसने उससे पासपोर्ट मांगा तो कहने लगा भाई मेरे को, मैं तेरा पासपोर्ट तभी दूंगा जब तू मेरे को 25 हज़ार रुपये देगा। कहने लगा कि भाई ऐसे तो नहीं होगा, मेरे को तो मेरा पासपोर्ट चाहिए। तो बंदा मान ही नहीं रहा, मान ही नहीं रहा। सो फेबररी के कुछ एंड में ये सब प्रोसेस चल रहा था, 2020 की बात है। उसके बाद फिर लॉकडाउन चालू हुआ, तो कहने लगा कि अब तक पासपोर्ट हमारा उसके पास पड़ा हुआ है, और जो 7-8 बंदे थे उन लोगों ने उसका जो है 25-25 हज़ार रुपये दे रखे हैं, कह रहा है। लेकिन मैंने अब तक अपना 25 हज़ार रुपये उसको नहीं दिए, मेरा पासपोर्ट वहाँ पर पड़ा हुआ है, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई सीधा आप FIR कराओ उसके नाम की, और उससे लो कि भाई ऐसा आप तुम किसी का पासपोर्ट नहीं रख सकते हो, क्योंकि उसने लिखा थोड़ा ना कहीं पे कि भाई, या तुमने पैसे भी नहीं दिए, कोई एग्रीमेंट तो साइन करानी है कि हाँ भाई तुम मतलब पासपोर्ट रख लोगे। तो देखते हैं अभी क्या होता होगा, अगर मुझे कुछ पता लगेगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और मैं यही बोलूँगा कि देखो आजकल मतलब, और मैंने उसको बोला कि हाँ हो सकता है, मान लो अगर मेरा वीज़ा है, अगर मेरा जो वीज़ा नंबर है, अब कंसल्टेंसी वाले उनके पास हर चीज़ का जुगाड़ होता है, सही है। तो उन्होंने कुछ जुगाड़ कर लिया होगा, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने ऐसा ही किया होगा। मान लो मेरा वीज़ा नंबर, अगर मेरा वीज़ा नंबर आप लोगों को पता लग जाता है, आप कोई कंसल्टेंसी हो, तो आप मेरा वीज़ा नंबर से मतलब किसी को भी एक वीज़ा दे सकते हो। अब वो चेक करेगा तो पता लगेगा कि हाँ भाई वैलिड है, क्योंकि हर चीज़ वो लोग अप टू डेट रहते हैं। कि आजकल भाई एप्लीकेशन भी ऐसी आ चुकी है कि फेक चीज़ों को कैसे पता लगा है, लेकिन वो भी एडवांस चलते रहते हैं कंसल्टेंसी वाले। लेकिन बस मैं ये भी यही कहूँगा कि यार कोई कंसल्टेंसी वाला देख रहा है कि यार देखो प्लीज़ आप ऐसा मत किया करो किसी का, यार कोई बंदा कितनी मुश्किल से पैसे लाता है, कोई चीज़ क्या गिरवी करके पैसा तुम्हें दे रहा है यार, तुम एक पैसे के चक्कर में, सही है तुम्हें पैसा कमाना है यार, कंसल्टेंसी रियल कंसल्टेंसी बनो ना, सही है। पैसा हर कोई रियल कंसल्टेंसी भी लेती है, लेकिन वो कम से कम अच्छी एक सिक्योर जॉब तो देती है। तो प्लीज़ यार आप सब लोगों से जो भी देख रहा होगा ऐसा कोई कंसल्टेंसी वाला बंदा, फेक कंसल्टेंसी वाला स्पेशली, तो प्लीज़ ऐसा काम मत करो भाई, मतलब भगवान भी आपको कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेगा। आप अपने घर वालों को क्या चेहरा दिखाओगे, ऐसी ऐसी चीज़ें मत करो लाइफ में। तो यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप भी अवेयर रहे, जो भी सब लोग हैं अगर अप्लाई करना चाहते हो तो, मतलब मेरे हिसाब से तो वो एप्लीकेशन भी अब फेल सी हो गई है यार, तो अब तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि अब कैसे पता लगाएं कि भैया वो वीज़ा है वो रियल है या फेक है। तो उस बंदे ने तो फ़ोटोशॉप के थ्रू कर लिया था, तो बस उसको पता लग गया था। सो मैंने सोचा कि यार ये चीज़ आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, तो मैं शेयर कर रहा हूँ। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, बिकॉज़ मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आता रहता हूँ, तो काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। और प्लीज़ अब मुझसे जॉब वीज़ा से रिलेटेड मत पूछना, बिकॉज़ मैंने वैसे तो जो मैंने कुएं से रिलेटेड सब वीडियोज़ बंद कर दी हैं। अगर मुझे लगे कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जैसे ये थी, तो मैं ज़रूर बनाऊँगा जैसे कि अब बना दी है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद। और हाँ, एक और वीडियो को एंड करने से पहले ना एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि यार कि उस बंदे ने जो कंसल्टेंसी वाला था ना, कंसल्टेंसी वाला बोल रहा कि भाई जो तेरे को जो करना है वो कर ले, तेरे को पुलिस में जाना पुलिस में जा, तेरे को कोई भी कंप्लेंट करनी है कंप्लेंट कर ले। मतलब इस तरीके से वो बोल रहा है, उसको पता है कि उसने गलत काम कर रखा है। मतलब यहाँ तक कि अब इंसान जाए तो जाए कहाँ, कहने लगा भाई मैं पुलिस में भी, मतलब उस तरीके से वो मेरे को बोल रहा था कि मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, पता नहीं कितना लंबा मतलब गिरोह है इन लोगों का, कि जिस तरीके से वो मुझसे बातें कर रहा था। तो कह रहा भाई मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार आप एक बार जाओ कंप्लेंट करो और एम्बेसी जाओ। फिर कहने लगा एम्बेसी में गया था, लेकिन एम्बेसी वाले कहते हैं भाई आपके पास ओरिजिनल, जो ओरिजिनल कॉपी होती है ना वीज़ा की, वो होनी चाहिए, तभी आपके अंदर एंट्री करने देंगे। सो फिर देखते हैं, अभी अभी जब कुछ भी अपडेट होगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो कहने लगा अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन की वजह से सब कुछ मतलब वही है, सब कुछ बंद हो रखा है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो बस आज के लिए इतना ही।